हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो अगला टॉपिक जो है वो है डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है। तो उसके लिए जो है मेथड्स हैं, एक EDTA मेथड है और एक ONR मेथड है। तो EDTA मेथड में मेनली ज़्यादातर एक एक नंबर में या दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है। तो EDTA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक नंबर में ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या दो नंबर में पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA एंड व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ EDTA। तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म है इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड फार्मूला है इथाइलीन। जैसे सभी जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है वो इथाइलीन होता है, तो यहाँ पे क्योंकि और बॉन्ड लगे हुए हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 इनके साथ में डाई एमीन लगे हुए हैं, और इन डाई एमीन के साथ में लगे हुए हैं 4 टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इनके साथ में 2 एमीन। ये जो N है ये रिप्रेजेंट करते हैं एमीन को, तो 2 का मतलब हो गया डाई, डाई एमीन, और टेट्रा का मतलब होता है 4 टेट्रा एसिटिक एसिड। तो 4 एसिटिक एसिड जो हैं वो दोनों एमीन के साथ में दो दो कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 एसिटिक एसिड ये हैं और 2 एसिटिक एसिड ये हैं। तो ये इनका केमिकल फार्मूला है। तो जो डिटरमिनेशन करते हैं ये भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो ये प्रैक्टिकल्स में भी है। तो इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, इसमें जो रीजेंट्स यूज़ होते हैं, EDTA यूज़ होता है, EBT इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम होता है जो रिएक्शन के एंड पॉइंट को बताता है, मतलब अंतिम बिंदु को अपना कलर चेंज करके बताता है। तो EBT की यहाँ फुल फॉर्म भी है इरियोक्रोम ब्लैक टी, क्योंकि ये भी एक नंबर में पूछ ली जाती है, तो इसको हम इरियोक्रोम ब्लैक टी बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, बफर सॉल्यूशन भी यहाँ पर बेसिक बफर यूज़ किया जाता है, जो कि NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर होता है। वाटर, सिंपल वाटर, क्योंकि हमें वाटर का ही हार्डनेस पता करनी है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये बनाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से। एक एक ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको HCl में मिक्स करके उसको ड्राई करके पानी में मिक्स कर लिया जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से पहले हम टाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल वाटर जो होता है उस जिसकी हमें हार्डनेस पता करनी है उससे हम टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर दो जो है दो पार्ट में टाइट्रेशन होता है। तो किस तरीके से टाइट्रेट किया जाता है तो वो बताती हूँ कि सबसे पहले ब्यूरेट और पिपेट के बारे में मैं पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ब्यूरेट एक कांच की ट्यूब होती है, तो उसमें ब्यूरेट को क्या करते हैं, पहले वॉश कर लेते हैं वाटर से, और उसके बाद उसको EDTA सॉल्यूशन से रिंस करके उसमें EDTA सॉल्यूशन भर दिया जाता है। 50 ml की ब्यूरेट होती है और उसमें जो है EDTA सॉल्यूशन जो है वो फिल कर दिया जाता है। तो EDTA सॉल्यूशन जब हम फिल कर देते हैं तो उसके बाद हम लेते हैं एक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, और फ्लास्क में लेते हैं 50 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे कि बता ही चुकी हूँ कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिक्स करके ड्राई करके पानी में मिला के बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेते हैं 50 ml कोनिकल फ्लास्क में पिपेट की हेल्प से, पिपेट जिसको हम मुंह से खींच के सॉल्यूशन लेते हैं जो कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट करती है। और पिपेट से खींचने के बाद हम उस फ्लास्क में 4 से 5 ड्रॉप जो हैं वो मिलाते हैं EBT इंडिकेटर की, मतलब फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने 4 से 5 ड्रॉप EBT इंडिकेटर मिलाया, और इसी में हम मिलाते हैं 10 ml बफर सॉल्यूशन, 10 ml बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो ये कलर जो है इसका हो जाता है वाइन रेड कलर का हो जाता है, मतलब थोड़ा पर्पलिश कलर का हो जाता है, वाइन रेड कलर हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस फ्लास्क को हम EDTA वाले सॉल्यूशन के नीचे जो ब्यूरेट लगी हुई है ब्यूरेट स्टैंड में, उस सॉल्यूशन के नीचे उस फ्लास्क को रखते हैं और धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके तब तक उस सॉल्यूशन को गिराते हैं, EDTA सॉल्यूशन को गिराते हैं फ्लास्क में, जब तक कि वो जो वाइन रेड कलर होता है वो चेंज ना हो जाए ब्लू कलर में। जैसे ही जिस कलर में ब्लू कलर में चेंज होता है वैसे ही उसी कलर उसी पॉइंट पे हम ब्यूरेट की जो नॉब होती है उसको हम स्टॉप कर देते हैं और रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हम तब तक करते हैं जब तक कि दो सेम रीडिंग ना आ जाएँ, या अगर दो सेम रीडिंग नहीं आ रही है तो 3 रीडिंग को लेके हम उनका सम निकाल लेते हैं और उसको हम मान लेते हैं V1 वैल्यू, EDTA की जो वैल्यू है V1 वैल्यू मान लेते हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है
कि जो फ्लास्क है, फ्लास्क सभी ने देखे होंगे, कोनिकल फ्लास्क, तो इसमें हमें लेना क्या क्या है, 25 ml या 50 ml जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्लस इसी में हम 10 ml बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, प्लस 4 से 5 ड्रॉप EBT इंडिकेटर की। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट की हेल्प से, जिसमें EDTA सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसकी हेल्प से हम डालेंगे EDTA सॉल्यूशन, तब तक जब तक कि जो वाइन रेड कलर है वो कन्वर्ट ना हो जाए ब्लू कलर में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम V1 वैल्यू मान लेते हैं, ये V1 वैल्यू उसको हम मान लेंगे। तो एक पार्ट में जो टाइट्रेशन करना था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि मानक विलयन के थ्रू, तो वो तो इस तरीके से कर लिया जाएगा, एक रीडिंग इस तरीके से निकल आएगी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दोबारा से ब्यूरेट को रिंस करते हैं और फिल करते हैं EDTA सॉल्यूशन से, तो दोबारा से ब्यूरेट को भर लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं कि जहाँ पे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि मानक विलयन ले रहे थे, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 50 ml लेंगे हार्ड वाटर सैंपल, मतलब जिस सैंपल का हमें, जिस वाटर का मेज़रमेंट करना है कि वाटर की हार्डनेस पता करनी है, तो उसका सैंपल लेंगे फ्लास्क में। फ्लास्क में लेने के बाद से वही पिपेट की हेल्प से, और फ्लास्क में लेने के बाद इसमें फिर से वही हम 10 ml बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, जैसे कि हमने पिछले प्रोसीजर में किया था। बफर सॉल्यूशन मिलाने के बाद इसमें भी हम 4 से 5 ड्रॉप EBT इंडिकेटर मिलाएंगे, और इसका कलर भी वाइन रेड कलर हो जाएगा। और ये इसमें फिर से हम वही ब्यूरेट की हेल्प से EDTA सॉल्यूशन गिराएंगे और शेक करते जाएंगे उस फ्लास्क को, तब तक शेक करते जाएंगे जब तक कि उसका कलर वाइन रेड से चेंज ना हो जाए ब्लू कलर में। और जैसे ही जिस पॉइंट में ब्लू कलर में चेंज होता है, उसी पॉइंट में हमें जो है स्टॉप कर देना है, और स्टॉप करके रीडिंग नोट कर लेनी है। ये प्रोसेस भी हमें तब तक करनी है जब तक कि दो सेम रीडिंग ना जाए, और जो दो सेम रीडिंग आएंगी उन्हीं को हम मान लेंगे V2। तो ये V2 वैल्यू और पहले वाली जो है V1 वैल्यू, उसको हम इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करके हम वाटर की हार्डनेस को पता लगा सकते हैं। तो ये तो था EDTA मेथड जिसके थ्रू हम वाटर की हार्डनेस का मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड है जो कि है ओहेनर मेथड। ओहेनर्स मेथड में यूज़ होते हैं रीजेंट NY50 नॉर्मेलिटी का SCL सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, या फिर हम H2SO4 सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने अल्कालिनिटी ऑफ वाटर में लिया था। तो NY50 नॉर्मेलिटी का या तो SCL या H2SO4, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यहाँ पे लेंगे, और साथ में वाटर जिसका हमें हार्डनेस पता करनी है। तो यहाँ पे भी जैसे कि EDTA में दो पार्ट में टाइट्रेशन होता है, यहाँ पे भी दो पार्ट में टाइट्रेशन होता है। EDTA में आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि मानक विलयन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस वाटर का हमें हार्डनेस पता करनी है उसको हम पहले बिना बॉयल किए टाइट्रेट करते हैं, उसके बाद हम बॉयल करने के बाद, मतलब उसको उबालने के बाद उसको टाइट्रेट करते हैं। तो जैसे सबको पता है कि अगर हम वाटर को बॉयल कर देते हैं तो वाटर की हार्डनेस जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से जो है ओहेनर मेथड में दो पार्ट में करते हैं, सबसे पहले टाइट्रेशन बिफोर बॉयलिंग वाटर, मतलब वाटर को बॉयल करने से पहले टाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं कि जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट को रिंस कर लेंगे हम NYSCL सॉल्यूशन से, और इसी में NYSCL सॉल्यूशन जो है ब्यूरेट में फिल कर दिया जाएगा। और ब्यूरेट में फिल करने के बाद हम यहाँ पे फ्लास्क में लेंगे 50 ml वाटर, मतलब जो फ्लास्क है, फ्लास्क में हम लेंगे 50 ml वाटर जिसका हमें वाटर की हार्डनेस पता करनी है, बिफोर बॉयलिंग वाला, मतलब बिना उबला हुआ पानी है, प्लस इसमें हमें मिला देंगे हम 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज के। तो ये मिथाइल ऑरेंज के जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में, येलो कलर में। और येलो कलर में कन्वर्ट होते ही फिर हमें क्या करना है कि इसको हमें ब्यूरेट की हेल्प से हमें NY
50 नॉर्मेलिटी का जो HCl सॉल्यूशन है उसको मिलाना है, तब तक मिलाना है कि जब तक कि येलो कलर जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए, सॉरी लाइट पिंक कलर में, जो पिंक कलर होता है लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमें जो है ड्रॉप ड्रॉप करके Ni50HCl सॉल्यूशन उसमें गिराना है। और जैसे ही जिस पॉइंट में लाइट पिंक कलर का ये कन्वर्ट होता है उसी पॉइंट पे हमें रोक देना है, और रोकने के बाद उसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू होंगी वो सबसे पहली जो वैल्यू निकलेंगी वो होगी V1 वैल्यू, और उसके बाद करते हैं हम आफ्टर बॉइलिंग वाटर। तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे कि दिया हुआ है कि येलो कलर जो है वो चेंज हो जाता है ऑरेंज कलर या फिर लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनल रीडिंग नोट कर ली जाती है। फाइनल रीडिंग नोट करने के बाद जो है यहाँ पे भी सेम EDTA का जो टाइट्रेशन था सेम उसी तरीके से तीन रीडिंग ली जाती हैं, या फिर तब तक रीडिंग लेते हैं जब तक कि दो सेम रीडिंग ना जाए। और यहाँ पे भी जो पहली वैल्यू होगी जो Ni50HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज़ हुआ है उसको हम V1 वैल्यू मान लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है टाइट्रेशन का उसमें क्या करते हैं, आफ्टर बॉइलिंग वाटर। आफ्टर बॉइलिंग वाटर क्या करते हैं कि जो पानी जिससे हमने पहले टाइट्रेट किया था उसी पानी को हम दोबारा से बॉयल कर लेते हैं, और 20 मिनट तक इसको हम बॉयल करते हैं। मतलब 200 ml हार्ड वाटर लेंगे और उसको हम 20 मिनट तक बॉयल करेंगे, और बॉयल करने से क्या होता है कि जो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होने के बाद वहाँ पे जो पानी होता है उसमें सिर्फ परमानेंट हार्डनेस ही बचती है। तो फिर क्या करते हैं कि जब जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको हम फ्लास्क में लेते हैं, सेम पिछले मेथड के थ्रू की तरह फ्लास्क में लेंगे हम बॉइलिंग वाटर को 50 ml, और इसमें जो है मिलाएंगे 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज की, और इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में, और येलो के बाद ब्यूरेट से जो Ni50HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, तब तक जब तक कि ये येलो कलर जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए ऑरेंज कलर में, ऑरेंज या लाइट पिंक सा कलर हो जाता है। तो जैसे ही ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है उसी पॉइंट पे हमें रीडिंग वो स्टॉप कर देना है ब्यूरेट को, और ब्यूरेट को स्टॉप करने के बाद हमें जो है उसकी रीडिंग नोट कर लेनी है सेम पिछले पार्ट की तरह, कि तब तक रीडिंग लेंगे जब तक कि दो सेम रीडिंग ना आ जाए, या फिर तीन रीडिंग का सम निकाल के उसको हम V2 वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो बिफोर बॉइलिंग वाटर मतलब पानी को उबालने से पहले जो रीडिंग आई है उसको हमने मान लिया V1 वैल्यू, और जो पानी को उबालने के बाद जो वैल्यू आई है उसको मान लिया हमने V2 वैल्यू, और उसको फिर फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करके जो वाटर की हार्डनेस है उसको निकाला जा सकता है। तो ये तो दो मेथड थे, EDTA मेथड और ओहेनर मेथड। ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल मेनली ये कराए जाते हैं, बाकी का थ्योरी में भी ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल जो टाइट्रेशन बेस्ड टॉपिक्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस चैप्टर का ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज पर WHO। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो जो वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड है मतलब जो जल गुणवत्ता के जो मानक तैयार किए गए हैं वो WHO की तरफ से भी हैं, इंडियन स्टैंडर्ड भी हैं मतलब भारतीय मानक भी दिए गए हैं, और ICMR जो है ICMR के थ्रू भी दिए हुए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ WHO के पैरामीटर्स के बेस पे आपको इनके स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो ये इनके कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या मतलब इनकी डिज़ायरेबल लिमिट होनी चाहिए, क्या इनकी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। डिज़ायरेबल लिमिट मतलब अनुमेय सीमा, और परमिसिबल लिमिट मतलब अनुमन्य सीमा। तो यहाँ पे मतलब जो डिज़ायरेबल लिमिट का मतलब ये हो गया कि इतनी होती है अगर तो बहुत अच्छी है, और परमिसिबल लिमिट का मतलब ये है कि इतनी मैक्सिमम तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलर,
तो कलर के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो हेजन यूनिट होती है। तो डिज़ायरेबल लिमिट जो है इसकी वो 5 है और परमिसेबल लिमिट जो है 25 है। टेस्ट जो है, टेस्ट और स्मेल दोनों ही ऑब्जेक्शनेबल होने चाहिए, मतलब आपत्तिजनक, कोई न पानी का टेस्ट होना चाहिए ना ही स्मेल होनी चाहिए। पीएच जो है डिज़ायरेबल लिमिट दी हुई है 6.5 से 8.5, और परमिसेबल लिमिट दी हुई है 6.0 से 9.2 तक। टोटल हार्डनेस जो मिलीग्राम पर लीटर में नापते हैं जिसको हम, तो टोटल हार्डनेस जो डिज़ायरेबल लिमिट 300 और मैक्सिमम 600। कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर में 75 डिज़ायरेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट 200। इसी तरीके से मैग्नीशियम की डिज़ायरेबल लिमिट है 50 मिलीग्राम पर लीटर और परमिसेबल जो है 150 मिलीग्राम लीटर है। कॉपर मिलीग्राम पर लीटर में जो है 1 होनी चाहिए डिज़ायरेबल लिमिट और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो परमिसेबल है। उसके अलावा मैग्नीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर और मैक्सिमम जो है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड जो है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर और मैक्सिमम जो है वो 600 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए। एफी आयरन मतलब 0.3 मिलीग्राम पर लीटर और मैक्सिमम जो है वो 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। आर्सेनिक 0.05 से भी कम होना चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से लेड जो है वो भी लेस देन 0.05 होना चाहिए। जिंक जो है वो डिज़ायरेबल लिमिट 5 और परमिसेबल लिमिट जो है वो 10 होनी चाहिए। तो ये तो कुछ पैरामीटर थे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई भी 10 पैरामीटर पे जो है वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड बताइए, या कि कुछ भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, या फिर बड़े क्वेश्चन के साथ में भी ऐड करके पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, और अगर किसी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।